अस्सलाम वालेकुम वीरो, मैं मुहम्मद आसफ खिची, तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। आज दी वीडियो विच छोटा जिहा रिव्यू करांगे और थानू दसांगे कि ATS ट्रैक्टर कंपनी ने अपने ट्रैक्टर 290 स्पैशल विच जिहड़ियां छोटियां छोटियां तब्दीलियां कीतियां ने, लेकिन बहुत अच्छियां तब्दीलियां कीतियां ने। वीडियो पूरी देखनी है फिर कमेंट सैक्शन विच अपना प्यारा जिहा कमेंट्स देना है। तो दोस्तों, ATS कंपनी ने किसानों नू चॉइस दित्ती है कि तुसी ट्रैक्टर चार रंगों में कोई रंग भी खरीद सकते हो, नीला, पीला, लाल, सबज़। पहली तब्दीली इस ट्रैक्टर दे विच हुण कीती गई है, शो दे विच आपां नूं अगले पासे ब्लैक रंग दी, काले रंग दी जाली नज़र आ रही है। यह पहले मॉडल नूं कोणी सी, हुण जनाब यह वाली जाली इत्थे दित्ती गई है कि ट्रैक्टर हवा इस साइड तों भी लवे, अगू रेडिएटर वालों भी लवे, यानी कि हवा खुली मिले ट्रैक्टर नू और ट्रैक्टर ईजी रवे, इंजन ठंडा रवे। फ्रंट लाइटा का इशू हैगा सी, हैडलाइटा जड़िया ने वो अगे थले सी, दिक्कत आ रही सी कि जेडे लोग अगे फ्रंट ब्लेड चलाते न, फ्रंट ब्लेड अगे लगाते न, वो जनाब अगू रोशनी खत्म हो जाती सी। हुण हैडलाइटा उच्चिया कर दी गई, उतं कर दी गई ने, वह भी दिक्कत खत्म कर दी है कंपनी ने। और इस तो बाद थानू अगर दिखाना है फ्रंट, तुसी देख रहे हो ट्रैक्टर का जिहड़ा इहदा थल्ले वाला हिस्सा है ना, दड़ी ते गाडरी, वो जनाब अपनी मुकामी कंपनी दे मद्दे मुकाबल कंपनी दे तरह ही है, और गाडरी भी और दड़ी भी सेम। बाकी ATS ट्रैक्टर और ATS दा जिहड़ा पार्ट्स है वो मन्ना धन्ना है पाकिस्तान विच, सब तो अच्छा पार्ट्स ATS का ही है। और तुसी ट्रैक्टर की लुक देख सकते हो, ट्रैक्टर की फिनिशिंग देख सकते हो, हर हिस्से की फ्रंट टायर साइज 750 सुना है जी, फ्रंट टायर साइज। बैक टायर की अगर गल करिए तो बैक टायर इंदा जनाब 18-4-30 है जी, 18-4-30 इंदा बैक टायर साइज है। पिछले टायर दे विच एक वेट लग्या हुआ है, तकरीबन 55-60 किलो का वेट हैगा, उत्ते वजन कोई नहीं लिखा हुआ। पैंथर दे जनाब इनू टायर डले हुए ने, पैंथर का टायर एग्रीकल्चर विच बड़ा अच्छा चलता है। बाकी ट्रैक्टर की तुसी मुकम्मल लुक देखो, जिहड़ा पीला कलर है वो मालकां ने पसंद किया है, तो पीला कलर ट्रैक्टर के उत्ते जनाब जच रही है। बाकी हर हिस्सा, इंजन की तुसी फिनिशिंग देखो, हर हिस्से की फिनिशिंग देखो, जिथे थोड़ी नज़र पवेगी थानू अपना अक्स नज़र विच आएगा, विच थोड़ी सूरत थानू आदि नज़र आएगी शीशे तरह। सीट जी एडजस्टेबल दिती हुई है अपने मुकामी ट्रैक्टर वर्गी है। प्लेटफार्म जिहड़ा ट्रैक्टर का वह काफ़ी खुला है, चढ़न लमन में कोई दिक्कत नहीं हैगी। जिहड़े इहदे मरगाड ने वह अपने मुकामी ट्रैक्टर नालों तकरीबन मजबूत ने, क्योंकि मटीरियल तगड़ा लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है। किसी भी हिस्से विच कोई भी मतलब बेईमानी नहीं की गई, लोहे की ज़्यादा बचत नहीं की गई, तो बड़ा अच्छा काम किया गया है। ये जनाब इंदा वड्डे वड्डे टायर ते वड्डा हिस्सा जिहड़ा वह भी तुसी देख लो, विच लग रही है बिल्कुल शीशे तरह, मतलब हर चीज़ इं मुलायम है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। फिनिशिंग तो हर बंदा ही जिहड़ा जनाब इत्थे मेला लगे हुआ सी, हर बंदा ही कहिंदा है फिनिशिंग इस ट्रैक्टर की बहुत ही अच्छी। उस तो बाद जनाब सब तो वड्डी तब्दीली जिहड़ी इहदे विच कीती गई, इहनू आयल कूलर लगाया गया है। बाकी अपने मुकामी ट्रैक्टर एवें दा आयल कूलर आपां नूं मिलदा है, यानी कि पानी नाल आयल ठंडा होने वाला। मुकामी ट्रैक्टर 8 लीटर आयल सी है, और इहदे विच भी 8 लीटर आयल सी, लेकिन आयल कूलर लावण नाल इहदे विच आयल हो गया जनाब 10 लीटर। डीजल पंप यानी कि रोटरी इहदे विच आपां नूं मिलदा है, डीजल पंप जिहड़ा है वह आपां नूं रोटरी मिलदा है, डेल्फी का ओरिजिनल मेड इन ब्राज़ील डेल्फी का पंप है जी। बाकी जितों आपां आयल डालने इंजन विच उत्थे जनाब ढक्कण दिता हुआ है, अच्छी तरह टाइट हो जाता है, डस्ट होण दा विच कोई चांस नहीं हैगा, इहनूं खुल एवें भी टाकी टुकी बन्नण दा कोई ऐसा चक्कर नहीं हैगा, टाइट हो जाता है ढक्कण। उस तो बाद सलफ जिहड़ा वह भी बड़ा अच्छी हाई क्वालिटी का लगा हुआ है। क्लच वाली साइड तो आप देखिए तो हर हिस्सा आपां दस रही है कि हर हिस्सा दस रही है कि मेरे पल्ले कोई चीज़ है, मैं कुछ है।
इस तो बाद मैं थोन दिखा रही हूँ जी आयल कूलर, जोड़ा आयल कूलर इस ट्रैक्टर के लगा हुआ रेडी हीटर के अगे लगा हुआ है, यानी कि अपने मुकामी ट्रैक्टर पानी ना आयल ठला ठंडा करते हैं, ये जनाब हवा ना आयल ठंडा करेगा। आयल कूलर आयल कूल विद एयर, यानी कि हवा ना ठंडा होने वाला आयल कूलर हवा ना ठंडा करता है, ठीक है जी। ये कूलर बड़ा अच्छा मनिया जाता है, जोड़ा पानी ना है ना उनकी कोई चस नहीं। तो यह जनाब आप आ गए डैशबोर्ड से, तो डैशबोर्ड की लुक देखो प्यारी जबरदस्त है। इस तरफ जनाब गेजा लगिया हुई ने, टम्परेचर गेज डीजल गेज, टम्परेचर गेज डीजल गेज, ए बैटरी वाली गेज जनरेटर की, जनाब आर पी एम मीटर अपने लोकल ट्रैक्टर वर्गा ही है सब कुछ। डैशबोर्ड के मेन स्विच आ गया जनाब, इंदे नाल आ जाती है जनाब चेसी पत्री, यह जनाब इनकी चेसी पत्री आ गई ट्रैक्टर की, नाल इंडीकेटर वगैरह आ गया। स्पीडा गेयर जनाब अगर गे स्पीड की गल करिए आप आठ फारवर्ड दो रिवर्स गेयर इन मिलते हैं, ब्रेक 265 तरह ने, डिस्क ब्रेक राड वाली, डिस्क ब्रेक राड वाली जी है ब्रेक वो बड़ी अच्छी मनी जाती है। प्लेटफॉर्म थोनों पहले दस चुका बड़ा खुला है। यह जनाब पार्किंग गेयर यानी कि हैंड ब्रेक नाल पी टी ओ का लीवर आ गया, दूसरी साइड से जनाब हाइड्रोलिक लीवर। दोस्तों ट्रैक्टर का थोनों मुकम्मल रिव्यू दे चुका, ट्रैक्टर थोनों कैसा लगा, तब्दीलियाँ कैसिया लगिया कमेंट सैक्शन में अपना प्यारा जहा कमेंट्स देना है जी। वीडियो में लाइक करना है, दोस्तों नाल शेयर करनी है वीडियो, अगर कोई दोस्त ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो इस नंबर पर राबता भी कर सकता है।